अल्पसंख्या या बहुसंख्यक ऐसा कोई भेदभाव आमदार महोदय करते नहीं, लेकिन बच्चा भी अगर जब तक रोता नहीं जब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती ऐसे वो होंगे। उन्होंने किसने क्या अभी तक बताने को आए क्या कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है? प्रभाग क्रमांक 23 प्रभाग क्रमांक 23 है आणि इथं रामदासवाडी ना सगळा हा पूरा परिसर यातील ह्या भागाची जर परिस्थिती बघितली तर अत्यंत दुःख झालं की लोक अशा अवस्थेत राहत आहेत। खरं म्हटलं म्हणजे पूर्ण शहरात विकासाचे कामं होत असताना ह्या भागामध्ये अजून विकास हा आलेलाच नाही आहे, तर इथलं कुठल्याच प्रकारचं काम इथं झालेलं दिसत नाही आहे। निश्चितच उशीर झाला असला, मला उशिरा माहिती पडलं, आमचे आरी भाईने सांगितल्यामुळे मी इथं आलो, नागरिकांची भेटीगाठी घेतल्या, सगळ्याच्या मनामध्ये कुठेतरी आशा आहे की काम झालं पाहिजे, पण तेवढा संताप आहे की राज एवढे वर्ष झाले कामं होत नाही आहे, त्यामुळे निश्चितपणे हां रईस भाई त्याच्यामुळे येत्या काळामध्ये आमदार महोदयांच्या माध्यमातून त्यांच्या कारणावर हा विषय टाकणार आणि त्यांच्या निधीतनं त्यांना मंजूर करण्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत। हे जर थोडंसं 4-6 महिने पहिले माहिती पडलं असतं किंवा इकडे आमचा राऊंड झाला असता किंवा कोणी सांगितलं असतं तरी आपल्याला आतापर्यंत हे काम होऊन गेलं असतं असं मला खात्री आहे, कारण संपूर्ण शहराचे 10 कोटी रुपयाचे याद्या आम्ही स्वतः तयार केल्या, परंतु इथं अशी इतकी गंभीर परिस्थिती आहे असं कधी जाणवलं नाही, परंतु आता बघितल्यानंतर अगदी खेड्या गावालाही लाजवेल अशा प्रकारचा भाग दिसतोय आणि हे बिचारे नागरिक याच्यामध्ये राहतात याचं खरंच दुःख आहे, परंतु येत्या काळामध्ये हे याच्या ज्या समस्या आहे ह्या निश्चितपणे सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। वार्ड नंबर 23 के अंदर जो है डायमंड पार्क बोलो, इंद्राणी नगर बोलो, 32 पुली बोलो, बहुत से ऐसे मोहम्मदी नगर उनके अंदर भी आता काय माहिती का खरं म्हटलं म्हणजे नुसता हाच अल्पसंख्याक वार्ड हा एकटाच नाही, मी अनेक अल्पसंख्याक वार्डात भटकतो, अल्पसंख्याक वार्डामध्ये काही कामच दिसत नाहीत मला। आता हे खडका रोड जरा बऱ्या परिस्थिती दिसतो, बाकी मधले काही ठिकाणचे रस्ते करून यापूर्वी आम्ही मुंबई नगरमध्ये डांबरीकर आमदारांच्या माध्यमातून केलं होतं, परंतु नगरपालिका जर इकडे टॅक्स वसूल करते, नगरपालिका जर यांच्याकडे टॅक्स घेते, तर नगरपालिकेनं त्या माध्यमातून इथं सुखसुविधा द्यायला पाहिजे होत्या, परंतु त्या सुखसुविधा दिल्या गेल्या नाही हे तर आपल्या डोळ्यांना दिसतंय, त्यामुळे आता काय मागचं विसरून पुढचं काय करता येत असेल त्या दृष्टीने आपल्याला पावलं टाकावं लागतील। संपूर्ण अल्पसंख्याक भागामध्ये मी भटकतो, साफसफाई रोड रस्त्याच्या बाबतीत थोडंसं आपला हा भाग मागेच आहे। काय वजह आता त्याच्यात अनेक कारणं अशी आहेत की लोकप्रतिनिधी तेवढंच मजबूत लागतात, मी सरसकट सगळ्या लोकप्रतिनिधीवर टीका करणार नाही, परंतु सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी रिटायर केला पाहिजे, त्यांच्या भागातल्या कामासंदर्भात आंदोलनं केले पाहिजेत, बोललं पाहिजेत, नागरिकांना तिथपर्यंत नेलं पाहिजे किंवा नागरिकांची भेटून निदान त्यांची समस्या ऐकून घेतल्या पाहिजे, त्याच्यामुळे कुठंतरी इथं पाठपुरावा करण्यास हा संपूर्ण प्रभाग मागे आहे, कारण एखाद्या विषय जोपर्यंत आपण शासन दरबारी किंवा आमदार महोदयांपर्यंत किंवा कुठलं जात नाही तोपर्यंत कोणी काम होत नाही, आज माहिती पडतं तर आपण पुढे करू शकतो, परंतु यापूर्वी जर काही थोडंफार हालचाल झाली असती तर नक्की इकडचे कामं झाले असते। हो अल्पसंख्याक वाटचे अंदर काही नागरिक आमदार साहेब नाराज आहे की आमदार साहेबने जे अलग एरियावर अंदर काम केलं अल्पसंख्याक एरियावर अंदर काम नाही केलं। सबसे पहिले अल्पसंख्या या बहुसंख्याक ऐसा कोई भेदभाव आमदार महोदय करते नाही, लेकिन बच्चा भी अगर जब तक रोता नहीं जब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती तो ये आके लोकप्रतिनिधि या आके जो भी नुमाइंदे होंगे या आके जो भी लोकसेवक होंगे या जनसेवक होंगे या समाज सेवक होंगे उन्होंने किसने क्या अभी तक बताने को आए क्या कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम छुड़ाओ, ऐसा कोई नहीं आता। तो अपन ने भी प्रवाह के साथ में चलना चाहिए, अपने भी प्रयत्न करना चाहिए, किसको बोल लो एक बार बोल के तो देखो बोलने के बाद अगर वो नहीं करता तो तुम बोल सकते कि हमने तुमको बोला था लेकिन तुमने काम नहीं किया, लेकिन जब तुम किसको बोलेंगे नहीं तुम उनके तरफ जाएंगे भी नहीं और अपने आप कोई आएगा क्या अधिकारी तुम नगर पालिका में भी समझो मानेंगे नहीं या कुछ करेंगे तो कौन आएंगे कौन देखने आने वाला है यहाँ पे तब तक लग सकता है कि यहाँ पर देखो आज मैं आया हूँ, अभी 3 महीने के बाद चुनाव है नगर अपना आमदार की का उसके बाद नगर पालिका का आमदार के छोड़ दो, लेकिन नगर पालिका चुनाव का अगर महीने 1.5 महीने पहले आचार संहिता लग गई तो फिर से ब्रेक लग सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर
अपन ये काम मंजूर कर सकते और उसके बारे में अपन प्रयत्न करेंगे। सुनो, मैं झूठी झूठी बातें करता नहीं कभी भी, तुम मेरे मैं कोई पब्लिक को आज काम है तो मीठा मीठा बोलो चले जाओ और फिर कभी कभार आओ, वो काम मेरा नहीं है, मैं ऐसा काम करता भी नहीं। नगर पालिका तरफ से अभी मुरूम डालना चालू है तो इधर मुरूम डालने के बारे में आज ही मैं नगर पालिका सीओ से बात करूँगा और आने वाले टाइम पे रस्ते के बारे में मैं आमदार साहब से जरूर बात करूँगा या नगर और नगर पालिका में भी बात करूँगा। जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध इकबाल शेख हुसैन मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा संचालित डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में केजी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू, जिसमें आपके बच्चों को कुशल और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, प्रोजेक्टर द्वारा डिजिटल शिक्षा, छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, भव्य प्लेग्राउंड, तंबाकू मुक्त परिसर, विज्ञान मेले, श्रेष्ठ वार्षिक परिणाम, माता पिता से मीटिंग, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन, जिला विभाग राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, साइंस लैब और लाइब्रेरी, RO फिल्टर पानी की सुविधा के साथ स्कूल बस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही नीट JEE UPSC की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे 9158555777 पर। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा, बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटेटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन, बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन, बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम व MI तेली स्कूल की छात्र पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन, संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वह बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786, ईमेल आईडी bspatel educational campus@gmail.com, वेबसाइट bspatel educational campus.com। जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में
केजी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू। साथ ही नीट जेईई यूपीएससी की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे।